ख्वाजा गरीब नवाज के 808वें उर्स में जायरीनों की जेब से महंगे मोबाइल चोरी कर फरार हुए दो चोरों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों चोरों से 9 मोबाइल और 10 सिम बरामद की है। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल झालाराम ने बताया कि उर्स के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर संदिग्धों की धरपकड़ के लिए गश्त की जा रही थी। इसी बीच मुंबई निवासी नियाज अहमद और अनवर ने पुलिस को देखकर भागने लगे। दोनों का पीछा कर उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से चोरी के 9 मोबाइल और 10 सिम बरामद की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष अग्रवाल साहब, श्रीमान DYSP साहब जीआरपी वर्त अजमेर, थानाधिकारी महोदया सुशीला बिश्नोई के निर्देशन पर उर्स के दौरान RPF GRP के द्वारा ज्वाइंट चेकिंग के दौरान रात्रि में भगवताराम ASI GRP के स्टाफ द्वारा दो संदिग्ध शख्स नियाज अहमद, अनवर शेख निवासी मुंबरा मुंबई के रहने वाले थे, जिनके पास में 9 संदिग्ध मोबाइल और 10 सिमें मिली, जिनसे गहनता से पूछताछ की गई तो वो दरगाह बाजार से चोरी कर लाना बताया और वापस मुंबई जाने की फिराक में थे। ये छट्टी के दौरान ये 1/3/2020 को आए थे और रात्रि में वापस मुंबई जाकर ये मोबाइल वहाँ सेल करने के उसमें थे। जिनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने दरगाह से चोरी करके लाना बताया। 9 मोबाइल और 10 सिमों को 102 CRPC में जब्त किया गया है। दोनों शख्सों के खिलाफ 151 CRPC में अलग से इस्तगासा मुर्तिब कर संबंधित सर ADM साहब के पेश किया जाएगा और गहनता से इनसे पूछताछ। इनके खिलाफ उनके मुकामी थाने से भी जानकारी करेंगे। अपने GRP थाना अजमेर पर हमने रिकॉर्ड देखा है, इन दोनों के खिलाफ में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। कहाँ के रहने वाले दोनों? ये दोनों ही मुमरा मुंबई के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनके? मेन गैंग का सरगना भी है क्या जो? हाँ सर, ये नियाज अहमद ही इसी ने चोरी किए हैं और मेन सरगना ये नियाज अहमद ही है जो मुमरा का रहने वाला। दूसरे का नाम क्या? दूसरे का नाम अनवर शेख है। ये बस अजमेर में दो ही आए थे क्या और भी इनके खुद ही? ये दोनों ही एक ही साथ आना बता रहे हैं और खरीदना ये चोरी के मोबाइल और कुछ खुद भी चोरी करना बता रहा है ये नियाज अहमद।